Action! तो भाई कैसे आप लोग, मैं आपका भाई ऐसे सादा से भी भाई, और इस वीडियो को देखने का आपको कोई भी चारा नहीं रहेगा, आपके पास बस एक ही मौका रहेगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, भाग जाऊं मैं। तो अपने भट्टे जैसे आगे खोल के देख लीजिए, शादी निंजा टेकनी आपके भी काम आ जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई आम इंसान की बस की तो बात है ही नहीं, क्योंकि मिथुन दा के तीसरे टांग में इतनी ताकत है कि वो पूरे पेड़ पे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं वो ऐसी कौन सी सीरा जीत खाते हैं जिसकी वजह से वो उनकी पूरे टांग में ताकत दी जाती। हमारे मिथुन दा तो उंगली से दीवार में छेद भी कर सकते हैं, सुपरमैन की बस की नहीं है, यहाँ तक उल्टे भी उड़ सकते हैं, यहाँ तक टांगों से गाड़ी भी चला सकते हैं। ये तो समझ जाए तो नहीं नहीं नहीं, टांगों से गाड़ी चला कैसे रहे, एक्सेलेटर ब्रेक और रेस कौन देता होगा भाई साहब, ये आप ब्रेक लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, ये तो समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। अब तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई कमेंट पे करके जल्दी से कुछ झेल ला के दे दे। अब ये वाला सीन देखिए, हमारे बहन जी को तो पता भी नहीं था कि उनके अंदर सुपर पावर है, जैसे उनको एहसास हो उनके अंदर सुपर पावर है, उन्होंने तो पूरे पूरे बंदे को एकदम से धोबी पचार दे दी। नहीं ये हो क्या रहा भाई साहब, और हमारी ये बहन जी तो पूरी बॉक्सर निकली, घुसों के ऐसी बारिश करी जैसे कि पोचिंग की में एयरगन की बारिश हुई हो। तो भाई साहब गलती आपकी नहीं है, ये बहन जी का घूस है 50 ग्राम का, तो एक बंदे को लुड़काने के लिए 50 ग्राम के घूसे तो 50 बार मारने पड़ेंगे जब जाके बंदा लुड़केगा ही। ऐसा भी सुनी बाजी तो है नहीं, जो 2.5 किलो हाथ से एक बंदे को पैसा में उड़ाते, चलो घुमाते उनके पिताजी का सीन देख लेते हैं, और इसी आप मुझे देख के जरूर बताएंगे कि लड़ाई हो रही थी या फिर चुमा चाटी चल रही थी, मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आया। इनको तो देख के ऐसे लग रहा है इनको भारी चुम्बक फेंक के मारो तब इनके ऐसी आवाज निकली। तो दोस्तों सस्ती एडिटिंग किसे कहते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कुछ समय बचाकर एडिटिंग करना तो कोई इनसे सीखे, क्योंकि इनके एडिटिंग के लिए तो अभी तक ऑस्कर भी बना नहीं, इनको ऑस्कर हम देंगे ना ऑस्कर। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद आपका फोन अभी तक हैंग नहीं हुआ था दोस्तों, मुबारक हो, कमेंट सेक्शन में जाकर पार्ट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपका हर कमेंट पढ़ूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, और हाँ मुझसे तो इससे ज्यादा वीडियो और नहीं बन पाई क्योंकि मेरे दिमाग से परे ये सब ऊपर जा चुका है, क्योंकि ग्रेविटी और लॉजिक तो मेरे परे ही हो चुका है। दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दे लीजिए।